ओम शांति। नमस्कार दोस्तों, पेरेंटिंग और उसके रिलेटेड मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में उभर कर आई हैं। और इसी एक चैलेंज में एक आदत जो हमें बहुत परेशान करती है वो है झूठ बोलना। दोस्तों कई बारी पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे छोटी छोटी बात पर झूठ बोल देते हैं, हम उनको समझाते हैं लेकिन बच्चे नहीं मानते। आज हम इस छोटी सी बात को डीप एनालिसिस के रूप में चर्चा करें। आज दोस्तों इस बात को हम एनालाइज करेंगे कि बच्चे अगर झूठ बोलते हैं तो उसके पीछे उनके ब्रेन, उनकी साइकोलॉजी किस तरह काम करती है, उसके कारण क्या होते हैं और सिंपल उसको दूर करने के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हमारे पास क्या है। दोस्तों बच्चे जब भी हमसे झूठ बोलते हैं उसके पीछे उनका छुपा हुआ होता है डर, यानी उनको लगता है कि अगर उनका झूठ पकड़ा गया, उनका ब्रेन इस तरह प्रोग्राम्ड होता है कि वो डिसअपॉइंटमेंट लाएगा और डिसअप्रूवल लाएगा। बच्चे हमेशा गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, बच्चे हमेशा चाहते हैं कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, और अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी जहां उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, जहां मम्मी और पापा के मन में डिसअपॉइंटमेंट आएगा, तो वो फट से झूठ बोल देंगे। और दूसरा मेजर जो कारण होता है दोस्तों वो है रिपीटेटिवनेस। जब बच्चा इनिशियली प्रोग्राम नहीं होता, वो एक बारी झूठ बोलता है, उसे लगता है कि उसका झूठ तो स्वीकार हो गया, उसकी बात छुप गई, तो रिपीटेटिवली उसको करने के कारण उनका ब्रेन प्रोग्राम बन जाता है, आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है और फिर वो बार बार इसको करते हैं। इसके लिए हमें समझना होगा कि बच्चे झूठ किन कारणों से बोल रहे हैं। दोस्तों पहला कारण तो है कि उसकी हैबिट्स, उसके संस्कार ही पुराने जन्मों के इस तरीके से प्रोग्राम्ड हैं कि उसको आदत है बोलने की। दूसरा एक मेजर कारण दोस्तों होता है कि कभी कभी मम्मी और पापा के साथ उनकी ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होती, तो प्रेशर ऑफ द वर्क होगा, प्रेशर ऑफ द सिचुएशन होगा, उसको ना पूरा करने के कारण वो झूठ बोल देते हैं ताकि मम्मी और पापा की बुक्स में वो गुड रहें, टीचर्स की बुक में भी वो गुड रहें। टीचर्स कोई असाइनमेंट देगा और कहेगा कि आपने कंप्लीट कर लिया, तो वो मम्मी पापा को बोल देंगे हमने कर लिया और वहां पर जाकर वो असाइनमेंट नहीं देंगे। कभी कभी फ्रेंड्स की कंपनी में आकर फ्रेंड्स का पीयर प्रेशर होगा, उनको स्ट्रेस आएगा उस चीज से और उसके कारण वो फोर्सेबली मम्मी और पापा को झूठ बोल देते हैं। जो अपने फ्रेंड्स के साथ लोग घूमने जा रहे हैं, कोई पर्टिकुलर चीज है जिसको वो डिस्कस करते हैं, वो अपने मदर फादर को वो नहीं बताना चाहते हैं तो भी वो झूठ बोल देते हैं। तीसरा दोस्तों कभी कभी बच्चे नेचुरली भी फॉरगेटफुल होते हैं, ये भी माइनर प्रोपोर्शन में देखा जाता है कि वो भूल जाते हैं एक्चुअली उन्होंने उस सिचुएशन में किया क्या था, तो मम्मी और पापा को डिसअपॉइंटमेंट ना हो फिर वो झूठ बोल देते हैं। तो दोस्तों इन मल्टीपल कारणों के कारण जब मम्मी और पापा के साथ, फैमिली के साथ, टीचर्स के साथ अगर ट्रस्ट नहीं होता है तो बच्चे अपने हर सिचुएशन में झूठ बोलने को एक वेपन की तरह प्रयोग करते हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम बच्चों को सीधे कन्फ्रंट करें, और कई लोग कहते हैं हमने आज अपने बच्चों को आई जस्ट लॉस्ट इट और मैंने उनको ब्लास्ट कर दिया, दोस्तों ये भी एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि हम बच्चों के प्रति बहुत पावरफुल तरीके से अथॉरिटेटिव रहे, उनको गवर्न करें, उनको हर प्रकार से एक मास्टर की तरह, एक पर्टिकुलर जैसे कह सकते हैं वेरी स्ट्रिक्ट रहते हुए उनको हम लोग प्रोग्राम करने की कोशिश करें। और तीसरा है हम इन्हीं टूल्स को अंडरस्टैंडिंग के साथ मिक्स और मैच करके उपयोग करें। तो दोस्तों इस पेरेंटिंग टूल्स के बारे में तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इन सिचुएशंस को डील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, बच्चों के द्वारा बोले गए झूठ को कभी भी सोशलाइज और पब्लिकली डिस्कस मत करें। ये एक बहुत सेंसिटिव बात होती है, ये एक पावरफुल हर्ट क्रिएट करती है, इसलिए कभी भी इसको परिवार में ओपनली मत डिस्कस करिए। उनके साथ बैठकर इसको पर्सनली डिस्कस करना बहुत जरूरी है। कभी भी उनको मारिए नहीं और कभी भी उनके ऊपर चिल्लाइए नहीं इन फर्स्ट को। ये तीन बातें मूल मंत्र में आपको करनी ही हैं। अगर आप इनका उपयोग करेंगे आप फर्स्ट स्टेप को इजीली क्रॉस कर जाएंगे। तीसरा, उनको ड्रिल करके, उनको ओवर इंटरोगेट करके उनसे वो चीज निकलवाने की कोशिश मत करिए। वो भी बच्चों को एक शेल में ले जाती है टॉर्टोइस की तरह, और वो अपनी बात को और प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ के ऊपर एक और झूठ बोलते रहते हैं। तो फिर हमें करना क्या है दोस्तों? इसके लिए हमें अपने बच्चों की
परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी, उसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर हर बच्चा बहुत पावरफुल तरीके से असाइनमेंट कर पाता तो सबकी फर्स्ट रैंक आ जाती। कभी कभी हमारे परिवार में हमारे बच्चों की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो ओवरबर्डन्ड होते हैं, वो स्ट्रेसफुल फील करते हैं और उस स्ट्रेस को छुपाने के लिए उनको झूठ बोलना पड़ता है। तो टीचर्स और पेरेंट्स दोनों को अपने बच्चों की एग्जैक्ट कैपेबिलिटी का ज्ञान होना चाहिए कि वो किस लेवल तक उस असाइनमेंट को, उस सिचुएशन को वो पूरा कर सकता है। दूसरा, ट्रस्ट बिल्डिंग। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी कोई बात गलत भी होती है, आप बच्चों के पास प्यार से जाइए, उनसे बोलिए कोई बात नहीं, आपसे मिस्टेक हुई, हमसे भी होती है, कभी कभी रिपीट भी हो जाती है, अगर कोई बात है हम आपको गाइड करने के लिए बैठे, वी आर देयर टू सपोर्ट एज अ बैकबोन। ये उनको कॉन्फिडेंस देगा, ये उनको देगा कि अगर उनसे जाने और अनजाने दोनों में मिस्टेक हुई है तो उनके मदर और फादर उनके बैकबोन की तरह खड़े हैं। उनको क्षमा करिए और क्षमा के साथ साथ आप उनको प्यार से शिक्षा भी दीजिए, उनको गाइडेंस भी दीजिए। इतना प्यार से सिंपल दीजिए, लेक्चर मत दीजिए, प्यार से गाइडेंस दीजिए, ऐसी सिचुएशन में बेटा इस तरीके से हमको करना चाहिए। दोस्तों कई बारी इन चीज को हमें बार बार रिपीट भी करना होता है, इसको हमें बार बार उनको समझाना भी होता है जब ये सिचुएशंस रिपीटेटिव मोड में आ जाती है। तीसरा दोस्तों बहुत आवश्यक है, उनको ऑनेस्टी की इंपॉर्टेंस भी बताइए कि क्यों आवश्यक है इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी हमारी लाइफ में। अगर हम लंबा अपनी लाइफ में जाना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि इस गुण की इंपॉर्टेंस का एक यथार्थ रूप, एक प्रॉपर रूप हम बच्चों के सामने भी एग्जेम्प्लीफाई करके, उनको समझा कर हम ये बताएं। एक अच्छे रिलेशन का जो बेसिस होता है वो ट्रस्ट होता है, वो फाउंडेशन होता है, वो प्यार होता है। दोस्तों जहां पर ट्रस्ट बिल्डिंग है, जहां पर आपस में प्यार है, वहां बच्चे ओपन होते हैं। आज बच्चे हमसे झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि मम्मी और पापा भी कभी कभी उनको समय नहीं दे पाते, और हाँ कभी कभी हम पेरेंट्स भी बच्चों के सामने जो हमारे से शुरू से ऑनेस्ट रहे हैं, हम भी उनसे कोई सफेद झूठ बोल देते हैं। दोस्तों इस आदत को भी छोड़ना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ उतना ही वंडरफुल रिलेशन रखना है, उतना ही ऑनेस्ट रिलेशन रखना है जितना आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोस्तों जब ये हमको साइकोलॉजी समझ में आती है, बच्चों के मन से हम उस डर को हटा पाते हैं, हम उनको उनके मन में ये प्रोग्राम फीड कर पाते हैं कि पेरेंट्स आपके लिए सदा है, गलतियां अगर बार बार हो रही हैं तो भी वो आपके लिए सदा हैं, आप उनको सपोर्ट देकर उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे दोस्तों तो उनको एक नया प्रोग्राम मिल जाएगा, उनकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी और वो कभी भी आपसे डरेंगे नहीं, वो झूठ भी आपके सामने नहीं बोलेंगे। इन छोटी छोटी टेक्निक्स को दोस्तों आप लोग समझने की कोशिश करें, इनको यूज करने की कोशिश करें। कभी कभी इन बातों को बार बार यूज करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको एक बात एश्योर करता हूं कि कुछ चीजें जो हैं वो एक प्रहार से टूट जाती हैं, लेकिन कुछ चीजों को मोल्ड करने के लिए बार बार हमको यूज करना पड़ता है। तो कभी भी हताश मत होइए, जो सिंपल टूल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इस यात्रा में, इनको रिपीटेटिवली यूज करिए, आप देखिए पेरेंटिंग एक सुंदर यात्रा के रूप में दोस्तों परिवर्तित हो जाएगी। अगर आपके कोई प्रश्न हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, कोई सिचुएशंस हैं, हमको प्लीज लिखिए bkdrmohitgupta@gmail.com पर। हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर इन एपिसोड में लेकर आएंगे। आपके प्रश्न औरों के मन की भी दुविधा को दूर कर सकते हैं। ओम शांति।